बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ईद के दिनों में इतना कोई चिकन सबने खाया होगा, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आप लोगों के साथ सब्जी की कोई रेसिपी शेयर करूं। तो आज मैं बनाने लगी थी करेले, सो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डालूँगी 1 कप ऑयल और साथ ही साथ इसमें मैं करेले डाल दूँगी जो कि मैंने राउंड शेप में कट कर लिए थे। अब मैं इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। हाँ जी, करेलों का कलर चेंज हो चुका है, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। उसी ऑयल में मैं प्याज डालूँगी और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है, अब मैं इसमें करेले डाल दूंगी और 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें 3 से 4 टमाटरों को कट करके और 5 से 6 हरी मिर्चों को कट करके वो इसमें शामिल करूंगी। बारी है इसमें स्पाइसेस डालने की, तो 2 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। जी, तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। लास्ट में इसमें 2 से 3 साबुत हरी मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार से करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। आप लोग इसे नान और चपाती के साथ सर्व कीजिएगा और अपना लंच इंजॉय कीजिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।